देखिए सुबह से लेके आप लोग तो हम लोग के साथ घूम रहे हैं। फैक्ट एंड फिगर्स को हम लोग ने डिस्कशन करने से पहले हम लोग बाउंड्री में सारा गांव को जांचा, उसका बाद बोगी नदी का एरिया को देखा। देखने के बाद यहां आके हम लोग ने बातचीत करके देखा। देखने के बाद अर्लियर हम लोग ने एक प्रपोजल सबमिट किया था, उस प्रपोजल को लेके हम लोग ने डिस्कशन किया। इसमें प्लस माइनस कुछ करने का बाकी रह गया और इसको अभी हम लोग एक ही पेपर में डाल नहीं सकता है, इसलिए हम लोग का दोनों का कॉन्शियसली डिसीजन ये लिया है कि बोर्ड द टीम में से डिप्टी कमिश्नर कामले लखीमपुर एंड डीएफओ कामले देन लखीमपुर दोनों मिलके जो हम लोग दिल में फीलिंग रखा है उसको प्रैक्टिकली लेवल बाउंड्री लेवल में जाके कैलकुलेट एक बार करके देखेगा। नेक्स्ट सीटिंग में शायद हम लोग का लगभग फाइनल हो जाएगा। मतलब आज फाइनल नहीं हुआ, सब कुछ कंफ्यूजन रह गया क्या आप लोगों का बीच में? कुछ कंफ्यूजन नहीं हुआ। देखिए ड्राइंग से वर्कआउट करना और प्रैक्टिकली देख के निकलना थोड़ा डिफरेंस रहता है, बाद में डिसीजन लेने का बाद हिकअप ना आए इसलिए ग्राउंड रियलिटी को अभी क्लियर करने के लिए हम लोग छोड़ दिया। ग्राउंड में गए थे आप लोग, ग्राउंड में आप लोगों को क्या मिला? हम लोग ग्राउंड में ओवरऑल देखने गया है, हम लोग ने एक्यूरेसी और लेवल लेकर मेजरमेंट करके नहीं देखा। ताकि सर एक लगता है कि हम यहाँ जो अरुणाचल साइड के लोगों को हम लोगों ने बात करने का कोशिश किया, उनका कहना था कि असम और अरुणाचल के लोगों का बीच में कोई डिफरेंसेस है ही नहीं, बॉर्डर डिस्प्यूट जैसा नहीं है। ये डिस्प्यूट जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट असम की तरफ से बार बार करवाते रहता है, ये बहुत सही है क्लेम जो आप लोगों के पास में है। नहीं, ये एकदम सही है। द डिस्प्यूट इज इन द फॉरेस्ट लैंड ओनली। मैं फॉरेस्ट लैंड का होने से भी अभी तक तो ये दुलुमुख फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट तो असम डीएफओ का अंदर में है ना, तो डीएफओ का अंदर में है तो असम वाला अगर हम लोग को देना भी पड़ेगा तो उन लोग सफिशियंट रीजन निकालना पड़ेगा, उस रीजन को वेरीफाई करने के लिए हम लोग थोड़ा टाइम चाहिए। ताकि सर आपने आप लोग एयरफोर्स का जो बॉम्बिंग जोन में भी आप लोग ने डिस्कस किया, वहाँ क्या इश्यूज आप लोगों ने कोशिश किया समझने के लिए या आगे रखने का? देखिए एयरफोर्स में हम लोग गया था कि आप लोग कब से बैठा है सिर्फ उसको पूछने के लिए, हम लोग ये पूछने नहीं गया था कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, और उसमें एक ऑफिसर था वो सारा प्रॉब्लम बताया, इसलिए मैंने लास्ट में बोला है कि हम लोग ये प्रॉब्लम सुनने नहीं आया, असम और अरुणाचल का बाउंड्री पिक करने के लिए आया था, ये सब हम लोग सुनना नहीं है, वो सुना नहीं है असम की तरफ। थैंक यू मीडिया दोस्त लोग को। आज यहाँ में हमारा दोनों में असम अरुणाचल का तरफ से दोनों चेयरमैन का तरफ से हमारा अरुणाचल का तरफ से ताकि साहब और असम का तरफ से किशन संजय सर साहब हम लोग जॉइंटली विजिट किया है, जहाँ जहाँ कौन कौन सा एरिया डिस्प्यूटेड एरिया है सब में हम लोग जाके आज विजिट किया है और सर्वे किया है, और अभी हम लोग ये एनएसपीसी गेस्ट हाउस में अभी मीटिंग चल रहा है, तो अभी अंदर में अभी तक डिस्कशन चल रहा है और अभी तक हम लोग का जो असम तरफ से और हम लोग का यहाँ अरुणाचल का तरफ से दुलमुख वासी और असम वासियों की तरफ से अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग लोकल में नो इशू कुछ इशू नहीं है, लेकिन अभी तक जितना भी इशू प्रॉब्लम क्रिएट किया गया है ये सब असम पुलिस का वजह से है, तो अभी हमारा स्टेट का दोनों स्टेट का सीएम साहब को पेमा खांडू सर और हेमंत बिस्व शर्मा सर को हम एज यहाँ का लोकल तरफ से हम अपील करना चाहूँगा कि ये इशू को जल्द से जल्द आप लोग मिलके निभा देने से सोल्यूशन में लाने से ठीक है, हम लोग की तरफ से ये अपील होगा। ये हमारा जब से हम लोग यहाँ में आया है ये दुलमुख में हम लोग सेटल है, हम लोग तो सदियों से यहाँ में सेटल है, तब से हम लोग असम के साथ में प्रॉब्लम चलते आ रहा है, स्पेशली असम पुलिस के साथ में, तब से जब से हम लोग सेटल हुआ है लोकल उस साइड का लोकल और हम लोग इस साइड कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक जितना भी हम लोग को प्रॉब्लम दे रहा है असम पुलिस ही दे रहा है, तो इसलिए ये असम पुलिस को हम लोग का तरफ से भी अपील है और दोनों गवर्नमेंट को अपील है
कि इसको हम लोग को मिल के एक परमानेंट एक सोल्यूशन निकाल देने से ठीक है, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग शांति से रहेगा, मिलजुल के रहेगा, और जो भी हो हम लोग एक कॉन्क्रीट डिसीजन में आने से ठीक है। हम लोग तरफ से ये एक सोच है। मेरा नाम बिनी नोगा है और हम यहाँ का यूथ लीडर है दौलमुख का। लास्ट में क्या डिस्कशन निकला सर आज? लास्ट में तो अच्छा डिस्कशन हुआ आज ना, ये बौद्ध चेयरमैन अरुणाचल और आसाम का जो मिनिस्टर, उसके बाद हम लोगों का MLA लोग बात हुआ है रिगार्डिंग, ये जो है बहुत अच्छा डिसीजन होने वाला है, लेकिन उसको हम लोगों ने ठाल दिया कि थोड़ा सा टेक्निकल काम रह गया, वर्कआउट करना है, तो वो DC दोनों को दे दिया, DC कमले और DC लखीमपुर को बोल दिया है कि आप लोग वर्कआउट करके दिए DFO के साथ, तो हम लोग फिर सेकेंड सीटिंग करेगा। आज का डिसीजन ये हुआ है। विद इन 15th ऑफ सेप्टेम्बर का अंदर में होना है, क्योंकि लास्ट डेट इज 15th एज पर ऑनर चीफ मिनिस्टर बौद्ध चीफ मिनिस्टर दोनों ने तो डिक्लेयर कर दिया 15th शुड बी द डेड लाइन, तो इसलिए आज तो ऑर्डर टू हम लोग बात कर दिया कि थोड़ा दोनों का ये करके हम लोग को देना है, तो उसके बाद हम विल सी टुगेदर, यही बात हुआ है आज। तो डिफरेंसेस वही था कि उन्हों का बोलना मतलब ये जो पूरा एरिया को हम लोग नहीं देगा, हम बोला ऐसा नहीं होगा, जो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है वो तो रहना है, तो उन लोगों का बोलना तो पूरा ऑक्यूपाई किया वाला तो नहीं दे सके, तब हम लोग बोला वर्कआउट करके दोनों मिलाकर कर लो, उनके वो रह गया मैंने अभी जो है, तब थैंक यू सो मच।